बिहार सरकार भले ही कितने भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत सामने आ जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, इसकी पुल पट्टी खुल जाती है। ताज़ा मामला लखीसराय के बढ़िया रेफरल अस्पताल का है, जहां एक परिवार को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, मजबूर होकर ठेले पर शव लेकर जाना पड़ा। सिर्फ दिखावे के लिए है एम्बुलेंस, शव को ले जाने के लिए है ठेला, क्योंकि बीमार है बढ़िया अस्पताल। बढ़िया के रहने वाले इस परिवार का सब कुछ लूट गया। एक बेटा था, उसकी भी मौत हो गई। जैसे तैसे कर अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बची। स्टेशन तक ले ठीक था ये। अच्छा। स्टेशन से चलने के बाद में ये हफला शुरू कर दिया है, एकाएक खुद कस के। अच्छा, मतलब ये कौन सा काम करते हुए? कोई काम अभी नहीं कर रहे थे। इसके बाद शुरू हुई बीमार अस्पताल की कहानी। शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस के रहते हुए भी सुविधा नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए दखल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चार बार कंपोटर साहब सुबोध दा गए खोजने के लिए, वो कोई मिलवे नहीं किए। एक घंटा जब हुआ तो 102 गरी का नंबर है, उसको पूछे कि पहुंचा दीजिएगा, वो बोला कि सीएस साहब लिखेंगे तब हम जा सकते हैं, नहीं तो हम जाइए नहीं सकते। एक मृतक पड़ा हुआ है बेड पर, उसका पूरे परिवार रो रो का बुरा हाल है, पूरा मल, और एक घंटा से, और समझिए कि उसके लिए सिविल सर्जन से ऑर्डर लेना पड़ेगा एम्बुलेंस के लिए। अस्पताल प्रबंधन नियम कानून की हीला हवाली देने लगे, आदेश लेने की दुहाई देने लगे। यहाँ से आदेश लेना है, वहाँ कहना है, तब जाकर एम्बुलेंस मिलेगा। हम लोग लेकिन MOIC सराय ले रहे हैं, इसमें MOIC के ऑर्डर की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए मोटी भान होता है, व्यवस्था जरूर हॉस्पिटल को करना चाहिए, तो मथा पर लेके जाएगा नहीं। अब इतनी पेचीदगी एक गरीब को बताई जाएगी तो गरीब करेगा क्या? गरीब सिर्फ सुनेगा और ठेले से ही शव को ले जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही ठेले पर है, तो क्या कीजिएगा? राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। जमुई सदर अस्पताल इन दिनों अपने कारनामों को लेकर चर्चा में है। अब सदर अस्पताल कर्मियों की एक और लापरवाही सामने आई है। दरअसल सुग्गी गांव की एक प्रसूता को उसके परिजन ई रिक्शा से लेकर सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल परिसर में प्रसूता घंटों ई रिक्शा पर तड़पती रही, लेकिन प्रसव वार्ड में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण महिला ने ई रिक्शा पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल प्रसव वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर तो था, लेकिन वो गंदा पड़ा था, और इस दौरान प्रसूता के पति अस्पताल में मौजूद कर्मियों से अपनी पत्नी को उठाकर प्रसव कक्ष तक ले जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने मदद करना जरूरी नहीं समझा और प्रसूता महिला ने ई रिक्शा पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चे के जन्म के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के 9 यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 4 साल में